नमस्कार, अभी फिर से हमारे साथ पिंक रिक्शा की कुछ महिलाएं जुड़ी हुई हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीना बहन। मीना बहन बहुत बहुत स्वागत है। और कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। और आज क्या है आपका प्रोग्राम? आज ये ब्रह्म कुमारी इसमें हमारे आमंत्रित किया है, बुलाया है हमको यहाँ सम्मानित करने के लिए। अच्छा अच्छा, इसके लिए हम सब पिंक कोटे वाले यहाँ एकत्रित हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, आपका शुभ नाम? भाग्यवती। भाग्यवती, आप कितने टाइम से रिक्शा चला रहे हैं? 6 साल हो गए। 6 साल, 2017 में निकली थी। अच्छा, आपका नाम? ओम शांति, मीनाक्षी पटेल। कितना समय से आप रिक्शा चला रहे हैं? 5 साल हो गए। 5 साल से? अरे वाह, क्या बात। 5 साल जी। आपका नाम? चंदा बेन। आप कितने समय से चला रहे हैं? मैं 4 साल से। 4 साल से। आप? रेशमा नसीम खान। आप कितना समय से चला रहे हैं? मैं तो अभी 2 ही महीना हुआ, मैं टेम्पू चलाती थी पहले, 15 साल से टेम्पू चलाई थी। हाँ, तो अभी रिक्शा चला? अभी 2 महीने से मैं रिक्शा चला रही हूँ। ये तो बहुत हल्का होगा टेम्पू। मजा है, टेम्पू की बात ही अलग है। आपका शुभ नाम? प्रेमा बहन निसर। प्रेमा बहन, आप क्या, कितना समय हो गया? 5 साल हो गया। 5 साल हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं करते हैं आपके उज्जवल भविष्य के लिए। शुक्रिया। आइए, हमारे साथ संगीता जी भी जुड़ रही हैं, जो ऑर्गेनाइजर में से एक है, ब्रह्मा कुमारी संस्था से भी जुड़ी हैं, तो हम उनसे बात करते हैं। संगीता जी, मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अपने बारे में हमें ज़रूर बताइए। जी, मेरा नाम संगीता चांडक है। मैं वैसे रेडियो मधुबन में अपनी सेवाएं देती हूँ, और साथ साथ में यहाँ पे सूरत सखी संगठन एक चैरिटी ग्रुप बना है, उसमें भी अपनी सेवाएं दे रही हूँ। और आज ये बहुत अच्छा मौका मिला है कि हमारा पूरा ग्रुप भी यहाँ पे सम्मानित हो रहा है, और रेडियो मधुबन की तरफ से हमारे भाई साहब हमारा इंटरव्यू। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को और मंगल कामनाएं करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आप सभी को सम्मानित किया जा रहा है, और जिस तरह से आज आप लोगों के चेहरे चमक रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, तो ऐसी मुस्कान हमेशा बनी रहे। जोरदार तालियों के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी वुमेंस डे।